पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी स्थित हनुमान बाग में कुछ युवक के द्वारा घर घुसकर मारपीट और हंगामे का एक वीडियो सामने आया है। हनुमान बाग की रहने वाली रमादास ने कुछ स्थानीय युवक पर घर घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। रमादास ने बताया कि उनके बेटे से किसी बात पर विवाद होने के बाद 15 से 20 की तादाद में युवक घर पर आकर उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट करने लगे। पीड़िता ने बताया कि वह मामले को लेकर केहा थाने में आवेदन दे चुकी है, मगर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसे ये कृपा है, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे घर में पवन कुमार ठाकुर, नीरज कुमार ठाकुर, नंद किशोर ठाकुर, ठीक है, और अन्य कम से कम 10-12 लोग आके, जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, वो सब आके मतलब मेरे बेटे से कहीं एक जना से ऐसे हुआ था डिस्कशन, उसके वो आके पूरे घर में हमला कर दिए, चढ़ाई करके हमें खींच के अंदर में मारे। हाँ, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। मेरी बेटी है, ठीक है, पार्ट वन में पढ़ती है, उसको भी मारा गया। मेरा एक लड़का है, ठीक है, 11 साल का, उसको भी मारा गया। मेरा बेटा 21 साल का, उसको भी मारा गया। सब कोई मिल के मार के दरवाज़ा तोड़ दिया है। गेट हम गेट लगा दिए थे, दो दो गेट खोल के तब लोग अंदर आके हमको मारा गया। आपने थाना को सूचना दिया था? हम थाने वाले को, जब हम लोग गेट तोड़ रहे थे तो हम थाने वाले को फ़ोन किए थे, बड़ा बाबू को, मेरी बेटी फ़ोन की थी, अंजलि। हाँ, फ़ोन करने के बाद जो है पेट्रोलिंग गाड़ी वाला आए, जब घटना हो चुकी थी उनके 10-15 मिनट बाद वो आए, आके घटना स्थल में देखें, जो अभी टूटा फूटा हुआ गेट का फोटो तो लिए, हमें बोले कि आप अभी आप जाके डॉक्टर दिखा रहे। हाँ, और विपद दास कुमार, अंजलि के पापा को, मेरे हस्बैंड हैं, उनको भी मारा गया था। उनका पूरा मुंह से ब्लड जा रहा था, ठीक है, और मेरा भी हाथ तोड़ दिया, देखिए हाथ फ्रैक्चर है, और यहाँ देखिए मेरे चेहरे में उन्होंने बेल्ट लेके और इसमें रड से मारा गया है। FIR उसके बाद जो हम गए हैं आपको सदर हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पर इंजरी बना के और तब गए हम थाना, ठीक है। लगभग रात हो चुकी थी 11 बजे, थाने पे जाने के बाद रात में कोई नहीं था, एक सिपाही थे, हाँ, उनको रिक्वेस्ट करके ब्रावो को कॉल किया गया, उसका रिक्वेस्ट करके वहाँ पर हमने दिया आवेदन देने के। आपका नाम? मेरा नाम हुआ रमा दास।